चलो बाय। यार जोड़े हैं तो खत्म सेवू सेवू अब सेवू के सर कर सेवू दुलाजी भाई सेवू सेवू क्या चाहिए भाई चाहिए भाई साहेब रिनु साहेब रिनु साहेब रिनु वंश कुमार बापू बापू बोलते साहेब रिनु बापू आजा अब आप ब्याह हेट दियो पूछो अभी हेट दियो यार आप क्या कर रहे हो मेरे भाई हाँ आपका कोई काम है तो मुझे बताइए बाबू बाबू बोल साहेब रिनु रमजान वंत साहेब रिनु अब रमजान वंत साहेब रिनु इधर जाओ सर जमीन वंत साहेब रिनु खबर कर मुझे परे नो अरे 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 जमीन वंत साहेब रिनु ठीक है हरचंद वंत महबूब हरचंद 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 वंत महबूब हरचंद हले हले हलन मारी कर तेरी तो ले रामचंद वंत महबूब अब हम एजो दीदी हले अब आइए अच्छे जो राम चंद हाँ हाँ जुम्मू वाले तमाची अब हले तमाची जुम्मू बांटेरो वाले तमाची कांडेरो कांडेरो अच्छी हो ना कांडेरो मामो जुमुना जुमुआ है जुमु जुमुआ नहीं है कांडेरो वंदे तमाती अनारक्यो वंदे तमाती तो फोटो अनारक्यो वंदे फोटो अरे आले 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 ल्यार वंद गागन ल्यार वंद गागन बाकी तो इस्लामी नाला जगन पो वरी आवे कापी दिया के रखा ध्यान ही था वडो कम जो सब खुदाई कोन था सब टाइम थोड़ो खर्चा है जी 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 बापू वंद कुमार बापू वंद कुमार मुबारक
ಭಾಗವಂತ ರಾಮು ರಂಜಾನ್ ಬಂತ ಲೌಂಗ್ ರಂಜಾನ್ ಬಂತ ಲೌಂಗ್ ಗುಣವಂತ ಮೇವು ಗುಣ ಗುಣವಂತ ಮೇವು ಗುಲ್ಲಗೆ ಸದ ಕರಾಯಕು ದಾಣು ಅಂತ ಹಾಜಿ ಆಯ್ನು ನೀವು ಮಾಡು ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿ ಜೋಗೋ ಮಾಡು ಅಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹುಡುಗೋ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೋಡಿಗೆ ಸರ್ ಕೊಂಡ ಕರಿ ಅವ ಅವ ಕೋಡಿ ಕಾ ಕದೆ ನಾಲು ಚೈನ್ ಇಯೋ ಮಂಚು ಬಿಹಾರ ವಂತೆ ತಿನ್ನು ಅಲ್ಲ ಅವ ಪಟೇಲ್ ಸಾಹ ಅಲ್ಲ ಆ ಎಕ ಮಿಂಟ್ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಬಾ ಮನಿ ಭಾಯಿ ಹಾ ಏಕ ಮಿಂಟ್ ಆ ಜಮಾ ಕರ್ತರೆ ನಹೀಂ ನಹೀಂ ಯೇ ಪಟೇಲ್ ಕೋ ಪಹಲೇ ಬುಲಾಯೆ ಯೇ ಹಮಾರೇ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಸಮಜೋ ಮುಖ್ಯಾ ಹೈ ಜಿನ್ಕಿ ಬದೌಲತ ಆಜ ಇತ್ನಾ ಬಡಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹುವಾ ಹೈ ಆಪ್ನೆ ಟೋಪಿ ಬತಾ ಆಪ್ ಇಸ್ಕೋ ಟೋಪಿ ಪೆ ನಾ ಆಪ್ಕಾ ಹೈ ಇದೆ ಮುಜ್ಜು ಚಾಚೇಲು ಪುಟ್ರದಿ ಸೌಟ್ ಫೇಸ್ ಗಾಂ ಬಿಹಾರ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ವಂತ ಬಿಹಾರ ಅವಿ ವೇಜಾ ತಿ ಪಿ ಬಾ ಅಚ್ಚು ಶರೆ ಕೊನ್ ಸಲಾಮಲೈಕುಮ ಸರ್ ಜಿ ಜಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಅರೆ ಉನ್ನ ಮೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ವಂತ ಬಿಹಾರ ಸಾಮಾನ ಬೇಕಾಯ ದಿವ ಸರ ಛೋಕರೋ ಆಯೋ ಛೋಕರೋ ಆಯೋ ಜಿ ಜಿ ಭಲೆ 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 ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಥವಾ ಜಾನಿ ವಂತ ಕಿರಣ ಜಿ ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತ ನಾನು ಕಿರಣ ಕೇರ್ತು ಅಚ್ಚ ಅದ ಕನ್ನ ಅಮೀದ ಅಲ್ಲ ಅಮೀದ ಕೋಡಿಯೋ ಸಾವಿರ ಬೇವಾ ಹೇ ಅಜ್ಮತ ನಾಮ ಬಂದೆ ಅಚ್ಚಾ ನಹೀಂ ಭಾಯಿ ಬತಾ ಕಿ ಆಪ್ನೆ ಜೊ ಇಸ್ಲಾಮ ಕಬೂಲ್ ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಕೊ ಕೈಸಾ ಮಹಸೂಸ್ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ
जी हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमने इस्लाम कबूल किया है। अच्छा, इस्लाम कबूल करने में आपसे कोई जोर जबरदस्ती इस तरह का कोई मामला? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा नहीं, जोर दबे से है ही नहीं ना। ये हमारे भाई डॉक्टर इंसाज है, ये मुसलमान है, हम जी एक एक बिरादरी हो रहे हैं, बना रहे हैं सब चीज़। तो आपने दीन इस्लाम के अंदर क्या चीज़ ऐसी समझी कि आपने इस्लाम कबूल करना जो है ना उसको लाजिम समझा, वो आप बताएंगे? जी वो तो है, इस्लाम कबूल करने में ये है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये नमाज हैं ये हम हमें अच्छा है। वहाँ पे भटकते रहते थे हिंदू बिरादरी, वहाँ वहाँ वहाँ, ये अच्छा है कि हम एक बिरादरी बनाए, हम अब जो भी अपने अपने हिंदू मज़हब में कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप अपने इस्लाम कबूल करना ज़रूरी समझा? वो क्या है कि हिंदू बिरादरी में हमारे बहुत मसले होते हैं, वहाँ वहाँ पर भटकना, उधर जाना, बिरादरी दूर से करना, उधर 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 ये सब करना, अगर ये हम ये छोड़ रहे हैं इस मसले में से हल हो रहे हैं, ये सब हम अपने अपने से बिरादरी बनाए। अच्छा, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप एक नबी मानते हैं? जी हाँ, बेशक हम आखिरी और आखिरी नबी मानते हैं। जी आखिरी नबी, और आप अल्लाह को एक मानते हैं? अल्लाह को एक मानते हैं। आपको कलमा आता है? जी कलमा आगे आता है, सुनाए आपको। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने मुसलमानों की वजह क्या थी, आपने इस्लाम को दीन को क्यों आपने तस्लीम किया, क्या आपको हिंदू मजहब के अंदर क्या परेशानियाँ थी जिसकी वजह से आप यहाँ पर आपने इस्लाम को कबूल किया? नहीं बस, हाँ कोई मजबूर नहीं है, बस जब भी खुशी हुई है कि मुसलमान हुआ। अच्छा, तो आपके किसी किस्म की कोई जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती भी नहीं है ना, वो कर्जा है किसी का ना, कोई कुछ भी नहीं है, हम खुशी से होते हैं मुसलमान बस। अच्छा, आप खुद ही गए थे या आपको किसी ने दावत पेश की थी, या आप खुद गए थे कि मैं इस्लाम से मुतासिर हुआ हूं, मुझे एक अच्छा मजहब लगा है जिसकी वजह से मैं इस्लाम के अंदर दाखिल होना चाहता हूं? नहीं, वो मेरे भाणेजा है ना, वो अकेले मुसलमान था। अच्छा, अभी वो आया था, उसको मैंने जवाब नहीं दिया, तो मैंने बोला मुसलमान, चलो ठीक है मुसलमान होता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसी वजह से आपने देखा कि वो एक मुसलमान, उनको एक इज्जत पेश की जा रही है, एक जैसे हिंदू मज़हब के अंदर आप देखते हैं कि आपको बहुत सारी मुख्तलिफ कौमें जिसके अंदर अछूत और ये वो इस तरह के मामले आते हैं, तो आपने कहा इज्जत वाला दीन है जिसके सबके अंदर बराबर हैं, तो आपने इसलिए दीन इस्लाम को चूज़ किया? ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपने आपको किसी किस्म का कोई दबाव परेशानी नहीं, किसी किस्म का आपको किसी ने आपको कोई ऐसी चीज़ हो कि आपको किसी किस्म की जो है ना आपको कोई चीज़ पेश की होगी जिसकी वजह से आप ना मुसलमान की तरफ रागब होना चाहें? नहीं, हमारे किसी को चीज़ की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ हम कुछ चीज़ें देते हैं तो लेते हैं, जो नहीं देंगे तो माशा अल्लाह चले जाएंगे। ठीक है, हाँ जाके वो कमा गन्ना कटाई करेंगे बस। अच्छा, अच्छी बात है माशाल्लाह। हाँ, मजदूरी करेंगे खाएंगे। आपने कलमा याद कर लिया है या अभी आप मतलब कहाँ किसी जगह ऐसी जो दर्स वगैरह ले रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं? हमारे गाँव में जो दरी मुसलमान है वो ही पढ़ाए थे, वही उसी का ही मदरसा है, उसमें पढ़ेंगे, बार बच्चा हम ही पढ़ेंगे।